When we talk about the difference between provision and reserves, सबसे पहले आता है meaning. Provision में we are keeping aside the money, uh, actually it is a charge from the profit. We are keeping aside for the known liability. Reserves क्या होते हैं? Again ये हम क्या कर रहे हैं? ये charge है. पहली चीज़ हम लिखेंगे ये charge है. ये चीज़ ध्यान रखना है. ये appropriation है. Appropriation है, है. Then when we talk about uh, provision जब हम इसको keep aside करते हैं तो non liability के लिए करते हैं. नोन लाइबिलिटी और यहाँ पे जो बात हो रही है वो अन की हो रही है यहाँ पे जो बात हो रही है वो अनोन लाइबिलिटी की बात हो रही है वी आर कीपिंग साइड मनी बट अगेन अगेनोप्रिएशन है पैसा बचा तो ही ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है रिजर्व एक तरह से आपके पास इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है बट प्रोविजन क्या है प्रूडेंस प्रिंसिपल के कंसेप्ट बनाया गया है इस ऑब्जेक्टिव क्या है होने वाले लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड कर दिया जाए मोड ऑफ क्रिएशन कहा से ये उठाया जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला जाएगा डेबिट किया जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट ध्यान रखना ये अलग अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट आप प्रोविजन को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो इट इज असाइड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क रिजर्व आप आराम से कर सकते हो इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट प्रोविजन को हम क्या करते हैं ज्यादातर एसेट्स में से डिडक्ट करके दिखाते हैं लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ठीक है प्रोविजन फॉर तो हम क्या करते हैं एसेट्स को रिड्यूस करके दिखाते हैं जबकि रिजर्व क्या होते हैं लाइबिलिटी साइड पर अलग से दिखाए जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे तो दिखाने का तरीका भी अलग है यूटिलाइजेशन प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज किया जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस है उसका इसका स्पेसिफिक नहीं है नॉट पे भी यूज कर सकते हो अनफोर्सिन कंटेजेंसी को पूरा करने के लिए कभी भी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो रिजर्व निकाल सकती है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड प्रोविजन से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो डिविडेंड बट हां रिजर्व से आप डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड नेसेसिटी जरूरत है बनाने की कि नहीं हाँ प्रोविजन बनाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस यस बनाना पड़ता है इसमें पैसा बचे तो बना लो नहीं बचे तो आपकी मर्जी है इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है लीगल चीजें नहीं है बट हां आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व नाउ वी विल टॉक अबाउट कितने टाइप के रिजर्व है वी हैव टू टाइप ऑफ रिजर्व वन इज रेवेन्यू रिजर्व सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व तो रेवेन्यू रिजर्व की जब हम बात करते हैं वर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग नेचर रिकरिंग मतलब जो बार 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 होता रहता है

उसको हम मीट करने के लिए एक जनरल फंड बना देते हैं कभी भी उसमें से किसी भी तरीके से कोई भी चीज के लिए आप यूज कर सकते हो डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो अगर फाइनेंस की जरूरत पड़े किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी पार्ट के लिए बिजनेस को तो वो भी जनरल फंड से निकाल सकते हैं दैट इज वट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड ऑल्सो जनरल रिजर्व को इंटरनल सोर्स ऑफ फंड भी कहा जाता है बट वी कैन ऑल्सो मेक स्पेसिफिक रिजर्व आउट ऑफ दिस रेवेन्यू स्पेसिफिक मतलब फॉर अ स्पेसिफिक टास्क हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं जैसे डिबेंचर मतलब you know फ्यूचर में पे करनी है उसके लिए अगर हम एक रिजर्व रख देते हैं दि रिजर्व, तो वो भी आप बना सकते हो अगेन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिविडेंड इक्वल करने के लिए हर साल उसको भी हमने पैसा रिजर्व में डाल दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए कोई प्रॉब्लम आई एक्सीडेंट हो गया कुछ वर्कमैन का उसके लिए भी अगर हमने पैसा रखना है साइड पे तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें से कुछ influx, अगर हमें लगता है कि फ्लक्चुएशन आ जाएंगे लॉस हो सकते हैं उसको पूरा करने के लिए हम रिजर्व में डाल सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट वी कैन से हाँ आप स्पेसिफिक रिजर्व या जनरल रिजर्व को इन्वेस्ट कर सकते हो एज वी नो हम रिजर्व्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट प्रोविजन कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं ये थोड़ा अलग है कैपिटल आर ऑलवेज मेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट मतलब नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग मतलब जो कंपनी का कोर एक्टिविटी नहीं है मतलब कंपनी कोई एसेट बेच रही है उस पर कोई प्रॉफिट हो गया कंपनी के शेयर्स फोरफीट किए कंपनी ने अपने खुद के शेयर फोरफीट किए उसमें से पैसा बच गया ऐसे कोई भी प्रॉफिट जो कंपनी की कोर एक्टिविटी से नहीं कैपिटल रिलेटेड एक्टिविटी से हुई है उससे जो पैसा बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है उसे नॉर्मल तरीके से यूज नहीं किया जाता कैपिटल रिजर्व को कैपिटल तरीके से ही यूज किया जाता है अगर कोई एसेट में कोई लॉस होता है कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैपिटल रिजर्व आप यूज कर सकते हो जनरल रिजर्व आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा जनरल रिजर्व तो यूज कर सकते हैं बट कैपिटल रिजर्व को यहां यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिडमशन रिजर्व हो गया जैसे आपको आप रिडीम करना चाह रहे हो कैपिटल को तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन रिकरिंग नेचर के प्रोफिट से बनता है कंपनी के पास अलग प्रॉफिट है जो नॉर्मल कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उससे बनता है तो सोर्स की अगर हम बात करें दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो सोर्स का डिफरेंस है वॉट इज सोर्स वेन वी टॉक अबाउट सोर्स सबसे पहली चीज जो रिजर्व ये वाले हैं रिवेन्यू रिजर्व है जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व ये बन रहे हैं नॉर्मल से रिकरिंग ने जबकि यह बन रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट से ठीक है so, सो यह नॉर्मल प्रॉफिट से बन रहे हैं कौन से नॉर्मल प्रॉफिट से बनेगा वी आर कीपिंग असाइड मनी फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट फॉर रिवेन्यू रिजर्व बट फॉर दिस कैपिटल प्रॉफिट यूज कर रहे हैं फिर क्या उसके बाद हमारा एक और आता है कि क्या आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रिजर्व को जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या ये वाले रिजर्व को हाँ आप रेवेन्यू रिजर्व को आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो बट कैपिटल रिजर्व को नहीं ठीक है देन वी हैव यूज अगेन आप रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व को कहीं भी यूज कर सकते हो कहीं भी फॉर कैपिटल पर्पज फॉर नॉन कैपिटल पर्पज फॉर एनी पर्पज ठीक है स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक जगह पे जनरल है तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो लेकिन कैपिटल रिजर्व का जो यूजेज है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू वर्ड द कैपिटल ट्रांजेक्शन्स रिस्ट्रिक्टेड है मतलब आपका एसेट को बेच के आपका प्रॉफिट हुआ है तो एसेट में ही लगाओ बेसिकली कंपनी की कैपिटल एक्टिविटी में ही लगाना पड़ेगा उसे नॉर्मल एक्टिविटी में आप नहीं लगा सकते हो तो यूज रिस्ट्रिक्टेड है सो so, सोर्स एक हमारा कह सकते हैं हम डिफरेंस uh, आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उस रिजर्व को ये एक डिफरेंस आएगा लास्ट आप इसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो वो एक डिफरेंस आएगा तो यू वी कैन राइट द डिफरेंस बेस्ड ऑन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेज बिटवीन रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है प्रोविजन एंड रिजर्व बहुत अच्छा बहुत प्यारा बहुत छोटा बहुत ईजी चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसके बाद हम वापस प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे तो अपनी नोटबुक पेन सब रखो इसमें तो चलो नोट्स बनाकर ईजीली समझ सकते हो ईजीली समझ भी जाओगे ठीक है